आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। डाल 112 प्रशिक्षण के समापन पर प्रशिक्षणरत समस्त कर्मचारी गणों को सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मानित। सोशल मीडिया पर हाथ में पिस्टल लेकर वीडियो हुआ वायरल, चार नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। शिवपुर के चुप्पेपुर निवासी मुकेश यादव से रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने से के मामले में शामिल एक बदमाश अर्जुन देव हरिजन पुत्र जीवतलाल हरिजन निवासी छित्तूपुर हरिजन बस्ती थाना लंका के शिवपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पनकी थाना क्षेत्र रतनपुर चौकी के पास मिला युवक का शव। विशाल तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा पुलिस लाइन ललितपुर में प्रचलित डायल 112 प्रशिक्षण के समापन पर प्रशिक्षण रत्न समस्त कर्मचारी गणों को सर्टिफिकेट प्रदान कर किया गया सम्मानित। पुलिस अधीक्षक और आईपीएस अपर्णव गौतम द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दिव्यापुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर हाथ में पिस्टल लेकर वीडियो वायरल करने वाले अभियुक्त को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। कानपुर देहात पुलिस थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना का अनावरण कर चार नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कितने आरोपी पकड़े गए, क्या मोटिव था लूट करने का? 20 जनवरी को अकबरपुर कस्बे में एक पशु व्यापारी के साथ 5 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया था और इसके अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई थी, जिन्होंने काफ़ी परिश्रम किया और इस लूट की घटना का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 5 लाख जो रुपये लूट हुए थे, उसमें से 3,61,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा लूट में मोटरसाइकिल है और तमंचे हैं जो अभी बरामद हुए हैं। जो लूट का उद्देश्य इन लोगों का जो है वह कि इसमें कुछ अपराधी पूर्व में भी कई घटनाओं में शामिल रहे हैं, इन लोगों का जो है वो आसान टारगेट मिला। उसकी जो इसमें से एक जो अपराधी है वह जो पीड़ित है उसके मोहल्ले का ही है और वह उसकी गतिविधियों पर नज़र रखता था, उसकी जानकारी रखता था और उसने ही अपने साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। शिवपुर के चुप्पेपुर निवासी मुकेश यादव से रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी के मामले में शामिल एक बदमाश अर्जुन देव हरिजन पुत्र जीवतलाल हरिजन निवासी छित्तू हरिजन बस्ती थाना लंका को शिवपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नाजायज तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर का किया गया बरामद। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि संजय यादव निवासी चुप्पेपुर गिलट बाजार के गैंग का सक्रिय सदस्य है। मेरे साथ पंकज यादव है, मैं संजय यादव के दुश्मन मुकेश यादव निवासी चुप्पेपुर की हत्या करने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी ले रखी है। मुकेश यादव की हत्या कराने के लिए संजय यादव व अशोक यादव ने मेरे व पंकज यादव की जमानत कराई थी। पकड़े गए आरोपी को शिवपुर थाना प्रभारी राजीव रंजन उपाध्याय ने मीडिया के सामने करते हुए दी जानकारी। आरोपी के ऊपर पूर्व में लंका थाना में हत्या व हत्या के प्रयास समेत दर्ज थे कई मामले। उक्त गिरफ्तारी प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर राम नरेश यादव, अखिलेश यादव, करण यादव, रविकांत व सतीश भारती की टीम शामिल रही। ये लंका क्षेत्र का रहने वाला है अर्जुन देव, सातेर अपराधी है। अभी जनवरी में ही 19 जनवरी को जेल से दिया हुआ है। ये और इसका एक साथी पंकज यादव दोनों 2 दिन आगे पीछे रिहा हुए,
इन लोगों ने हमारे क्षेत्र के एक मुकेश और संजय यादव जो गैंगस्टर है, संजय यादव जेल में बंद है, उसके कहने पे मुकेश की हत्या करने का मन बनाया था, इरादा किया था, और उसी क्रम में इन लोगों ने मुकेश से रंगदारी की मांग की थी 5 लाख रुपये, और जिसका FIR मुकेश द्वारा लिखाया गया था, और उसमें ये वांछित चल रहे थे और उनको पकड़ा गया स्नेह के साथ। सर पूर्व इतिहास भी रहा है, पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है, 8 मुकदमे हैं, गैंगस्टर 302 307 सारे मुकदमे, बड़े बड़े मुकदमे इनके रहे हैं, किसी गैंग से ताल्लुक भी रखते हैं। ये जेल में बंद संजय यादव और अशोक यादव, इन लोगों ने गैंग, इनका एक गैंग है जिस गैंग से ताल्लुक है। कहाँ से गिरफ्तारी? गिरफ्तारी जेल रोड से हुई है, सेंट्रल जेल रोड से। क्या बरामद की सर इनके कब्जे से? इसके कब्जे से एक नाजायज असलाह बरामद है, कारतूस बरामद है, और बाकी इसके मोबाइल फ़ोन है जिसके माध्यम से इसने सारी चीज़ें जो बात की थी जेल के अंदर से, जो इसकी बात हुई है, सारी चीज़ों की जानकारी। सर इस मामले में कुल कितने वांछित हैं, कितने? इस मामले में इसका साथी पंकज यादव जो इससे मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद नहीं आया, एक वो भी शातिर अपराधी है, अभी जेल से छुटका है, एक उसकी तलाश है। दूसरा रॉबिन सिंह जो इन समूह को मैनेज करता था, इन सारी चीज़ों को, उसकी तलाश है। और दो अपराधी जो जेल में बंद हैं, उनको जिन्होंने इसको इस काम के लिए इन समूह की जमानत कराई थी, वो भी इसमें। थाना क्षेत्र रतनपुर चौकी के पास मिला युवक का शव। रतनपुर कैम्ब्रिज स्कूल के चौराहे के चंद दूरी पर नाले में मिला युवक का शव। युवक के पास बरामद डायरी में नाम लिखा हुआ था अमरनाथ। पनकी थाना पुलिस मौके पर मौजूद, शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कर शव की शिनाख्त भी जारी कर रखी। बाद में कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो बाद में करना ना, अजय रुक जाएगा। चलो ये तो पीछे हट जाओ। 31 जनवरी को छपेड़ा पुलिया बाजार से विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक बहुआ केशरवानी सोनू राठौर रहे, जिसमें गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी, बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा, अजय राजपूत, बैरागी बाबा, कुलदीप राठौर, अन्य पदाधिकारी सम्मिलित रहे, जिसमें छपेड़ा पुलिया से नमक फैक्ट्री चौराहा, डबल पुलिया विजयनगर, शास्त्री नगर, नीरछीर चौराहा, देवकी चौराहा, गीता नगर, 9 नंबर क्रॉसिंग होते हुए गुरुदेव चौराहा से बैराज से आकर रामलला नगर, डाकखाने, रावतपुर सब्जी मंडी, नमक फैक्ट्री चौराहा, रोशन नगर व अन्य जगहों पर यात्रा निकाली गई। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BPN न्यूज़।